सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वर्तमान परिस्थितियों को आप देख रहे हैं भली भांति और महसूस भी कर रहे हैं कि जो दिक्कत है देश के अंदर उसको कैसे दूर किया जाए। आपकी समझ से आप एक मोटिवेटर हैं, बहुत से लोग आपके पास आते होंगे और एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, तो देश की बहुत सी जो व्यवस्था है वो कई सारे एक ही विषय पर आकर टिक जाता है, वो कौन सी ऐसी समस्या जो आपको महसूस करते हैं बार बार कि अगर ये चीज़ कर दिया जाए तो शायद देश बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेगा। रजनीकांत जी, आपने बात की है कि समस्या कौन सी है, मैं बात करूंगा कि समस्याओं की जड़ कौन सी है। जी, सारी समस्याओं की जड़ जो है वो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। बेरोजगारी हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक का जाम हो, कुपोषण हो, कोई भी समस्या ले लीजिए। जैसे कि किसी बाल्टी के अंदर अगर छेद हो तो पानी डालते रहो जी। इसी प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या ये सारी अन्य समस्याओं की जड़ है। और जिस प्रकार के किसी वृक्ष में कोई रोग हो जाए तो दवाई जड़ में देनी पड़ेगी, पत्तों पर नहीं। पानी हम पत्तों पर नहीं डालते, जड़ में डालते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। इसी प्रकार जो समस्याओं की जड़ है, जब तक उसका समाधान नहीं होगा तो देश की कोई भी समस्या ठीक नहीं होगी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ये समस्याओं की जड़ है, इसको दूर किए बिना बाकी अन्य समस्याएं ठीक नहीं हो सकती। और ठीक कैसे किया जाएगा, ये केवल सरकार के बस की बात नहीं है, ये समाज को भी साथ में आना पड़ेगा। आगे सरकार भी कुछ करे और समाज भी करे। सरकार के लेवल के ऊपर सरकार कर सकती है कि जिनके ज़्यादा बच्चे हों उनको कुछ सुविधाएं ना दी जाएं, ये कर सकते हैं। सजा की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन सुविधाएं तो उनसे कम हो ही सकती हैं। और इसी प्रकार समाज में हमें पूछना पड़ेगा कि उन्हें कैसा वातावरण चाहिए, अपने बच्चों को कैसे बनाना चाहते हैं। क्या उनको शेर की तरह एक बच्चा चाहिए या सूर की तरह 12 बच्चे पैदा करके उनको सूर की तरह बनाना है। जब तक समाज पे इस बिंदु के ऊपर हम चर्चा नहीं उठाएंगे, उनको सोचने पर मजबूर नहीं होंगे लोग, वो तो ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। जैसे दहेज प्रथा है, आज दहेज मांगने वाले को समाज में शर्म नहीं आएगी तो दहेज प्रथा ख़त्म नहीं हो सकती जी। तो इसी प्रकार जनसंख्या के ऊपर सरकार व समाज दोनों मिलकर काम करेंगे तभी ये समस्या हल हो सकती है।